क्षत्रिकर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत के बयान की पहली बार श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गुगामेडी जी की पत्नी और इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष हम बात करेंगे कि आखिरकार इस बयान से वे क्या सरोकार रखती हैं। भाई साहब आपको नमस्कार, न्यूज 18 पे स्वागत है आपका। जो जिस तरह का बयान शिव सिंह शेखावत जी का सामने आया है और कहा कि लॉरेंस पर 1 करोड़ राज सिंह जी का बयान सामने है, उसको लेके आप क्या इख्तियार रखती हैं? देखिए, पहले तो ये अभिव्यक्ति है, कोई भी आदमी कोई भी बयान दे सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बयान देने से अगर न्याय मिलता तो हर कोई बयान दे देता, मैं भी दे देती, क्योंकि हमारे केस में तो ये रोहित राठौड़ और क्या नाम है उसका, रोहित गोदारा और ये गोल्डी बराड नाम के जो कुख्यात अपराधी हैं, जो कनाडा में अभी बैठे हुए हैं, वो हमारे केस में है, न कि ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के इसको बिना मतलब के ही पब्लिसिटी मिल रही है, जो कि न्यायत ही गलत है, मैं इसको सही भी नहीं मानती। राजसिंह शेखावत ने कहा, जो बयान उनका सामने आया था कि लॉरेंस अमर शहीद हैं, सॉरी उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं, उनके हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए मैं ये इनाम रख रहा हूँ। तो आपने जब ये बयान देखा उसके बाद आपने क्या सोचा? सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा केस है, जो केस हमारा चल रहा है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कहीं भी नाम नहीं आ रहा। हमारे केस में रोहित गोदारा और ये गोल्डी बराड नाम के जो दो कुख्यात अपराधी हैं, इनके नाम है और इन्हीं पे केस हमारा चल रहा है। तो बिना मतलब के केस को खराब करने वाली बात है, इनको इधर से उधर भटकाने वाली बात है। अगर हमारा केस सही डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको कहीं भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ, आप ऐसे बयान देते ही क्यों जो सही नहीं हो? क्योंकि अगर बयान देना ही है तो आप ये कहिए ना कि जो विदेश में बैठे उन लोगों को लाओ जल्दी से जल्दी और उनको फांसी की सजा दिलाओ। ये जो बयान सामने आया राज सिंह शेखावत का, तो उसके बाद में क्या आपने आपत्ति जताई? उनसे बातचीत हुई आपकी कुछ इस तरह की, आपकी या फिर और किसी कार्यकर्ताओं की? नहीं, लोग उनसे बात कर रहे हैं, मेरी हालांकि अभी तक बात नहीं हुई, लेकिन लोग उनसे बात कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि देखिए आप ऐसा बयान मत दीजिए, क्योंकि आपके बयान से कहीं ना कहीं हमारी जो चल रही है जांच, उस जांच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिघन आ रहा है। क्योंकि सरकार, एक बात बताइए, जो मुद्दा है मुद्दे से भटक जाएगी तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? आज जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ कनाडा में बैठे अपराधियों को लाना, न कि गोल्डी, ये क्या नाम है, लॉरेंस बिश्नोई का कहीं भी हमारे केस में कोई नाम नहीं है अभी तक। नहीं, इसका मायने क्या है आपके बयान के भी? क्या लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ नहीं है, या NIA ने जो अपनी चार्जशीट में कहा आप उससे इत्तेफाक रखती हैं इसका मतलब? देखिए सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक इसका कहीं नाम नहीं आया है, और जब इसका नाम आ जाएगा तो देखिए कर्णी सेना पहले भी पीछे नहीं थी, आगे भी पीछे नहीं रहेगी। और जब भी हमें न्याय की बात के लिए, अगर हमें चाहे कोई धरना प्रदर्शन हो या भूख हड़ताल हो या फिर हमें कुछ भी करना पड़े, न्याय तो हम लेके रहेंगे। लेकिन आज जो भ्रमित बयानबाजी हो रही है वो न्यायत ही गलत है। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो बयान सामने आया था राज सिंह शेखावत का, जिसपे 1 करोड़ और 11 लाख रुपए कुछ इनाम रखा है, वो भ्रमित करने वाला है? हाँ, ये भ्रमित ही है। और वैसे देखिए मैं ये कहूंगी कि इनसे क्या होता है, इनाम रखने से क्या होता है? अगर आपके बाजुओं में ताकत हो, इनाम के बगैर जाके मारिए किसी को मारना है, तो ऐसे थोड़ी ना बोल देगा कोई कि ऐसे पैसे दे दूंगा, उसको मार दो, उसको मार दो। और मारना भी किसको, टारगेट किसको दे रहे हैं? कि पुलिस वाले उसका एनकाउंटर करो। अरे, एनकाउंटर की कोई विधि प्रक्रिया होती होगी ना, एनकाउंटर ऐसे ही हो जाएगा। अगर एक अपराधी आपकी जेल में बंद है, जेड प्लस की सिक्योरिटी में है, तो कौन उसको एनकाउंटर करेगा? हाँ, ये हो सकता था अगर वो बाहर होता, अगर वो फरार होता और मतलब सरकार से, ये पुलिस प्रशासन से मुठभेड़ होती तो उसका एनकाउंटर हो सकता था। ये विधिक प्रक्रिया है, अदरवाइज ये कोई विधिक प्रक्रिया नहीं है कि आप जेल में बैठे एक अपराधी को मरवा सके। तो कुलना की आपकी बात नहीं हुई अभी तक राज सिंह जी से? नहीं, मैंने अभी तक बात नहीं की उनसे, लेकिन हमारे थ्रू उनसे बात चल रही थी और उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी तो बयान दे दिया है, जो मुझे सही लगा मैंने किया। तो वो उनकी इच्छा है, वो उन पे डिपेंड करती, उनको सही लगा उन्होंने दिया। अब मेरा इसमें एक सवाल ये है, चूंकि वे भी कर्णी सेना से हैं, आप भी कर्णी सेना से हैं,
तो कुछ लोग आपके बयान को और उसके बयान को विरोधाभासी मानते हुए ये न माने कि कहीं करणी सेना में फूट पड़ी हुई है, उसको लेके आप क्या मैसेज देंगी अपने करणी सेना के जो भी कार्यकर्ता उन लोगों को? सर देखिए कि करणी सेना चाहे एक हो या लाख हो कोई बात नहीं है, देखिए ब्रांड होते हैं, ब्रांडों की कॉपियां निकलती रहती हैं और वो आए दिन बाजार में आती रहती हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन रही बात टकराव की और मनमुटाव की, तो देखिए मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं होंगे। हम अगर किसी अन्याय की बात को लेकर के न्याय के लिए बैठते हैं तो वहां हर चाहे कोई भी करणी सेना का कोई भी अध्यक्ष हो वो आकर के बैठता है और उसका समर्थन करता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई टकराव वाली या फिर मनमुटाव वाली कोई भी बात होगी। कुन्ना की एक मैसेज तो साफ है कि समाज की बात को लेके या धर्म की बात को लेके या किसी भी बात को लेके करणी सेना एकजुट रहेगी, एकजुट रहेगी। कहीं भी हो, कहीं भी न्याय की जरूरत होगी तो करणी सेना सदैव एक साथ रहेगी और जहां भी हमें लगेगा कि यहां हमें बैठना है, इसको न्याय दिलाना है, तो हम न्याय दिला के मानेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपना ही बलिदान क्यों ना देना पड़े। एक बात और, फर्जी अकाउंट भी बनना है गोगा मेडी के नाम से, और भी कुछ बातें सामने आई है? हाँ सर, फर्जी अकाउंट हमारे नाम से काफी बना रखे हैं, पहले भी बने थे और एक दो बार इन्होंने मतलब लेने की कोशिश भी की थी, उस टाइम पे ये हमारे साथ काम करते थे। अदर अब जा करके अलग अलग पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी दुकानें जचा रहे हैं, तो वो फर्जी अकाउंट चला रहे हैं और अब ये है कि वो हमारे ही परिवार को टारगेट कर रहे हैं, हमारे ही नाम से अकाउंट चला रहे हैं और हमें ही टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने अभी इसकी FIR करवाई है और कमिश्नर साहब को भी इसकी कॉपी भेजी है, तो जल्दी इस पे कार्रवाई होगी। आप बता रही थी कि आपको भी एक बार धमकी वाला कॉल आया था? हाँ सर, मुझे अभी महीने पहले ही एक धमकी आई और ये यूरोप से थी और इसकी FIR भी हमने चित्रकूट थाने में करवाई है, तो जिस पे कार्रवाई चल रही है देखते हैं क्या होता है। क्या, लेकिन क्या कहा धमकी बाद में जिसने आपको कॉल किया, कब आया, क्या कहा गया? ये एक महीने की बात है, उन्होंने कहा कि जैसे सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारा था घर में घुस करके, वैसे ही अब या तो तू करनी सेना बंद कर दे या तो तू अभी ये सोशल साइट का जो काम है वो सब बंद कर दे, नहीं तो फिर तेरे को भी ऐसे ही मारेंगे जैसे सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारा। कौन लोग हो सकते हैं लोग जो इस तरह की धमकियां देने करनी सेना को लेकर के? देखिए सामाजिक कार्य करते हैं और सामाजिक कार्य करने वाले को ऐसी छोटी मोटी ये क्या गिद्दड़ धमकियां आती रहती हैं, फर्क नहीं पड़ता। और हम तो हैं ही मतलब क्षत्रिय, हम मरने से कभी डरते नहीं हैं और जो भी काम करते हैं वो खुट्टा गाड़ के ही करते हैं, हम डरने वाली कौम है ही नहीं। एक बात आपने कही कि जो ये मर्डर हुआ था गोगा मेडी जी का, वो जांच है वो हत्यारों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन राजनीतिक जो संभावना है वो भी आपने जताई है? हाँ, मतलब अभी जो हमारे सामने आ रहा है कि NI ने हमें बोला कि डेढ़ महीने के नवंबर दिसंबर के लास्ट तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको अच्छा ही मतलब जैसा हम सोच रहे हैं कि न्याय मिले तो हम न्याय देने की कोशिश में हैं। और रही बात राजनीतिक पार्टियों की, तो देखिए कहीं ना कहीं तो शय है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि राजनीतिक शय है, पहले नाम भी आया था और बाद में वो नाम निकाल भी दिया था, लेकिन धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है। NI पे हमें विश्वास है, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, न्याय हमें मिलेगा तो हम विश्वास में विश्वास रखेंगे न्याय पे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो देखिए सड़क जाम करना और धरने पे बैठना और भूख हड़ताल करना हमारा भी कर्तव्य है, फिर हम अपना करेंगे। अक्सर जब कभी धमकियां मिली गोगा मेडी जी को, वो कह आप कभी आप उन्होंने आपसे शेयर किया कि इनसे धमकियां मिल रही है, किन से जान को खतरा है? सर एक बार की बात तो दिवाली के आसपास की बात है, उस टाइम तो मैं खुद ही उनके पास बैठी थी, तो ये क्या नाम है पाकिस्तान से धमकी आई थी जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड करके थाने में दिया भी था, FIR भी करवाई थी, उसके बाद में कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। फिर हमने जयपुर में भी कई बार FIR भी करवाई, धरने प्रदर्शन भी किए, ज्ञापन भी दिए, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला। वो हमेशा यही कहते थे कि अगर सिक्योरिटी मिल जाए तो इन लोगों के ये मतलब जो हौसले बुलंद हुए हैं ये हौसले बुलंद न रहे, और सिक्योरिटी मिलने के बाद में ऐसा कांड भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है, हमारा नसीब खराब था कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिली। लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग जिस तरीके से फैल रही है, अब आप क्या सोचती हैं? चूंकि आपके पति भी अब आप हालांकि आप क्लीन चिट दे रही हैं इस तरीके से, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे लॉरेंस को या उसके गैंगस्टर्स को? देखिए मैं तो यही कहूंगी कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि किसी को देखिए पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप मरवा रहे हैं, चलो मरवा रहे हो आप लोगों को, लेकिन कभी किसी के सामने से आकर सीना ठोक के किसी को चेतावनी दे करके तो सामने आइए, या सिद्धू मूसेवाला है
या सिद्दकी जी है या सुखदेव सिंह गोगामेडी की लोग कहते हैं कि भाई नाम आ रहा है चलो हम मान लेते हैं, तो कभी उनके सामने आए थे क्या? एक बार भी चेतावनी दे करके आते तो वो राजपूत थे कि वापिस तो नहीं जाने देते, इसकी तो गारंटी थी। और ये जो अभी कर रहे हैं नाबालिग बच्चों को खराब कर रहे हैं, निकाल निकाल के जेलों से इनको टारगेट देते हैं कि तुम मारो, इतनों को मारो, तुम्हें ये पॉलिसी मिलेगी। मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो इनको पॉलिसी दे दे के मतलब एक हम जब आर्मी ज्वाइन करता है एक बंदा, तो उसको ये होता है कि अगर उसको आर्मी में कहीं भी देशभक्ति भाई उनके अंदर जगती है और वो वहां पर अगर शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को पूरी फैसिलिटी मिलती है, उनको सहायता मिलती है, वही फैसिलिटी ये लॉरेंस दे रहा है। तो एक बात बताइए, बच्चों को भ्रमित करके ये खराब करने वाली बात है ना? घर से एक बच्चे को खराब करता है, कल को अगर बच्चे को कुछ होता है तो माँ बाप तो वैसे ही मर जाते हैं, ऊपर से इनकी पॉलिसी, फिर क्या करेंगे परिवार वाले? तो देखिए बिल्कुल, ये हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की पत्नी शीला शेखावत जी, जिनका कहना है कि पहली बात, राज सिंह शेखावत के बयानों से उनका कोई सरोकार नहीं है। इनका कहना है कि ये जो बयान है वो भ्रमित करने वाला है। साथ में लॉरेंस से भी कहा कि बच्चों को ना बिगाड़ें, साथ में कहा कि NIA से जो जाँच की है उनसे उनको जाँच की जो है न्याय की पूरी पूरी उम्मीद है। यदि न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में आंदोलन भी करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।